नमस्कार एजुकेशन इंडिया पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं ई वॉटर कार्ड की। जी हाँ, बदलते जमाने के साथ अब सरकार भी कई सारी चीजों को बदलने जा रही है। पहले ही आधार कार्ड आ चुका था और आधार कार्ड डिजिटल भी हो चुका था, लेकिन अब आपका वॉटर कार्ड यानी कि जो पहचान पत्र, आपका वही पुराना पहचान पत्र अब डिजिटल होने वाला है। जी हाँ, आपको अब मिलेगा ई वॉटर कार्ड। कैसे मिलेगा हम ही आपको बताएंगे, इसी वीडियो में बताएंगे। डाउनलोड कैसे करना है अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और वीडियो अगर समझ नहीं आए तो घुमा कर देखिएगा। और कुछ और बात जो समझ नहीं आ रही है और आपसे हो ही नहीं रही है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसका समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। और ये जानकारी आप तक सीमित मत रहने दीजिए, क्योंकि डिजिटल जमाना आ रहा है तो इसे शेयर भी करिए, व्हाट्सएप के जरिए करिए, फेसबुक के जरिए करिए, लेकिन अपने दोस्तों के पास शेयर करिए ताकि उन्हें भी ये जानकारी देखने को मिल सके। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे आपको अपना वोटर कार्ड डाउनलोड करना है। ये होने वाला है ई वोटर कार्ड। तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आ जाना होगा। ये वेबसाइट आपके सामने दिख भी रही है, nvsp.in। इस वेबसाइट पर आपको आना होगा या फिर हम इसका लिंक भी आपको दे देंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिख रहे होंगे, इन्हें आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन हम आपको बता ही रहे हैं। तो आपको नीचे आ जाना होगा और वॉटर पोर्टल वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे ही दोस्तों आप वॉटर पोर्टल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ऐसा कुछ भी ऑप्शन नहीं आएगा। हम आपको बता देते हैं, हमने लॉग इन करके रखा है इसीलिए ऐसा ऑप्शन आया है। तो उस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का एक इंटरफेस आएगा, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। यहां पर आपको क्या कर लेना होगा, अगर आपने पहले से अकाउंट बना के रखा है तो ऐसे में आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वोटर आईडी कार्ड नंबर और आपका पासवर्ड डाल देना होगा। ये सब करने के बाद आपके सामने आपका वही पेज आ जाएगा जो कि हमने आपको बताया पहले। लेकिन अगर आपके पास अपना अकाउंट नहीं है इसके ऊपर, तो आपको क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपसे कुछ इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी। आप ईमेल आईडी से या तो लॉगिन कर सकते हैं या फिर अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर सकते हैं, इन दोनों से आप कर सकते हैं। ऐसे में अगर आप अपने मोबाइल नंबर को डालते हैं तो आपके मोबाइल नंबर के ऊपर एक ओटीपी आएगी। इस ओटीपी को डालने के बाद आपको एक पासवर्ड बनाना पड़ेगा, और इस पासवर्ड को बनाने के बाद आप सीधा वहीं पहुंच जाएंगे जहां हमने आपको पहले बताया। अब उसी पेज पर ले चलते हैं और आगे की प्रक्रिया समझाते हैं। तो जैसा कि हम इस पेज पर आ गए, यहां पर आने के बाद आपको यहां पर साइड में एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही दोस्तों इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ और नई चीजें आ जाएगी, जैसे यस आई हैव एपिक नंबर, और दूसरा ऑप्शन है यस आई हैव फॉरम रेफरेंस नंबर, और आई वांट टू सर्च माय एपिक नंबर। अब ये तीन ऑप्शन क्या है एक एक करके आपको समझाते हैं। तो अगर आपके पास अपनी वोटर आईडी कार्ड है तो उसके ऊपर नंबर हो गई, उस नंबर को डालकर आप सीधा ऑनलाइन ई वोटर कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे दोस्तों इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा आपके वोटर आईडी कार्ड नंबर के बारे में। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको अपना राज्य भर देना होगा। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने पूरी लिस्ट खुल जाएगी, और नीचे यहाँ पर आपको अपना एपिक नंबर यानी कि वोटर आईडी कार्ड नंबर भरना है। और यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर आपके पास अभी तक आपने सिर्फ और सिर्फ आवेदन ही किया है, तो ऐसे में अगर आपके पास फॉर्म रेफरेंस नंबर है तो इससे भी आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे वही सेम तरह का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आपको अपना रेफरेंस नंबर डाल देना होगा यहाँ पर, और इसके ऊपर आपको स्टेट भर देना होगा। और अगर आपको, अब सबसे अच्छा तरीका यही है कि अगर आपके पास एपिक नंबर भी नहीं है यानी कि वोटर आई डी कार्ड भी खो गया, उसका नंबर भी आपको याद नहीं है, और आपने नए फॉर्म भरा है और आपके पास रेफरेंस नंबर भी नहीं है, तो ऐसे में आपको क्या करना होगा कि आई वांट टू सर्च माय एपिक नंबर, इसके ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे ही दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपसे कुछ इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी। यहां पर आपको अपना नाम डाल देना होगा, और नाम डालने के बाद यहां पर नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको पिता या पति का नाम डालना है। अब यहाँ पर ध्यान रखने की बात यह है कि अगर आप एक आदमी है तो ऐसे में सीधी सी बात है कि आप पिता का नाम ही डालोगे, लेकिन अगर आप एक महिला है तो ऐसे में आपको देखना होगा कि आपने वोटर आईडी कार्ड में अपने पिता का नाम लिखवा के रखा है या पति का नाम,
लिखवा के रखा है जो भी लिखवा के रखा है वो यहां पर डाल देना होगा। नीचे आने के बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, पुरुष महिला या अन्य, इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। नीचे आते हैं, अब दो ऑप्शन है, इसमें से आप कंफ्यूजन हो सकता है कि कौन सा आप भरे। तो यहां पर जन्म तिथि और उम्र दो तरीके के ऑप्शन है। ये क्यों दिए गए हैं? ये इसलिए दिए गए हैं क्योंकि कई सारे लोगों ने अपनी उम्र लिखवा के रखी है और जन्म तिथि जो थी वो उन्होंने लिखवा नहीं रखी है। तो ऐसे में आप अपनी उम्र से भी देख सकते हैं, अपना जो भी वोटर कार्ड है उसे डाउनलोड कर सकते हैं और जन्म तिथि से भी कर सकते हैं। जो भी आपने अपने वोटर कार्ड में लिखवा के रखा है उसी से होने वाला है। अगर बात करें 2005 के आसपास तो वहां पर पहले उम्र डाली जाती थी, लेकिन अब जो नए वाले जो वोटर आईडी कार्ड है उसमें आपकी जन्म तिथि ही डाली जाती है क्योंकि आधार कार्ड भी आ चुका है। तो ऐसे में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो बहुत ज्यादा जरूरी हो चुकी है। यहाँ पर नीचे आने के बाद आपको राज्य सेलेक्ट करना है, जिला सेलेक्ट करना है और विधानसभा क्षेत्र भी सेलेक्ट कर लेना है, इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर प्रॉब्लम आती है तो नीचे एक और ऑप्शन है और में यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर और का मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ में एक और ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पर आप नक्शे में भी चुन सकते हैं। नक्शे पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको अपने राज्य पर क्लिक कर लेना है। जैसे यहाँ पर हम कुछ भी क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको यहाँ जूम करके देखना है और जूम करने के बाद यहाँ पर आपको अपना जो भी विधानसभा क्षेत्र है वो सेलेक्ट कर लेना है। ये एक बड़ा प्रोसेस है, इसीलिए आप वहां सीधा भर सकते हैं। तो ये सारे चीजें करने के बाद आपको सर्च पर क्लिक करना है और आपके सामने आपका डेटा आ जाएगा और उसमें आपका एपिक नंबर भी लिखा हुआ होगा। और अब एपिक नंबर डालकर आप अपने जो वोटर आईडी कार्ड है उसको डाउनलोड कर सकते हैं और ये होगा ई वोटर आईडी कार्ड, जिसे आप फोन में भी रख सकते हैं। ऑनलाइन इसे डाउनलोड किया जा रहा है इसीलिए इसका नाम ई वोटर आईडी कार्ड है। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया कि किस प्रकार से अब आपका वोटर कार्ड भी, हाँ वही वाला पुराना वोटर कार्ड अब बन चुका है डिजिटल, डाउनलोड कर सकते हैं ऑनलाइन जैसे कि हम आधार कार्ड को करते थे। तो कुछ इस प्रकार का आज का वीडियो था, पसंद आया है तो अभी लाइक करिएगा। साथ ही अगर आप आगे भी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और एक और अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।